Hello everybody, I am Shivam Chaturvedi and in this video I am going to discuss with you the questions that is given in text, in books and in the exercise of books. Okay, so this video is especially for class 10th students और जो हमारे government exams के aspirants हैं उनके लिए भी important हो सकता है. कुछ ऐसे questions हैं जो आपके exercise से भी आ सकते हैं. इसके पहले वाले जो segments थे उसमें हम लोगों ने ऐसे बेसिस एंड सॉल्व्स की थ्योरी को कंप्लीट किया था. आज हम लोग क्वेश्चंस उसके देखेंगे. एक एक करके मैं आपसे क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करता जाऊंगा. ऑल यू हैव टू डू द टू पॉज द वीडियो. ओके, आपको पॉज करना है और ये एक प्रकार से मेरा भी टेस्ट होगा कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया है. तो आप पॉज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपसे वो क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है. आपको क्या करना है, यू हैव टू थिंक ओनली. ओके, फिर उसके बाद आप जब पॉज को क्लिक करेंगे फिर तो मैं हूँ ही यहाँ पर आपके लिए. तो चलो शुरू करते हैं. फिर पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि व्हाई कर्ड एंड पिकल इज नॉट स्टोर्ड इन मेटेलिक कंटेनर. यानी कि जो हमारा दही है और अचार है उसको हम लोग मेटेलिक कंटेनर में क्यों नहीं रखते हैं. तो हमें पता है कि ये जो दही है ये एक प्रकार से क्या है, लैक्टिक एसिड है. और ये जो पिकल है इसमें क्या एसिटिक एसिड रहता है, एसिटिक एसिड. ठीक, तो जब ये एसिड है दोनों, तो एसिड प्लस मेटल जब मिलते थे तो हमने देखा था कि मेटेलिक सॉल्ट बन जाता था, मेटेलिक सॉल्ट बन जाता था और हाइड्रोजन गैस लिब्रेट हो जाती थी. ठीक, तो हमें खाना क्या है, दही. हमें खाना क्या है, अचार. हमें मेटेलिक सॉल्ट नहीं खाना है, ये थोड़ा सा पॉइजनस हो जाता है हमारे लिए, इसलिए इनको मेटेलिक कंटेनर में ना रख के बर्निंग में रखा जाता है. ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा. आपको क्या करना है, पॉज करते जाना है वीडियो जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं उसके बाद. दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्या है कि मेटल कंपाउंड ए है जो कि रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से. ठीक है, क्या बनाने के लिए, एफर्वेसेंस बनाने के लिए. अब ये एफर्वेसेंस हमने आपको बताया था कि छल्लेदार एक गैस निकलती है. अभी भी यदि आप भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, आगे उसका नाम भी दिया गया है, द गैस विच इज एवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल. अभी अभी हमने आपको इसके पहले जब कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोसल्फ्यूरिक H2SO4 की बात कर रहे थे, वो फायर एक्सटिंग्विशर की, तो उसको जब दबाते थे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी जो कि थी भारी, किससे, ऑक्सीजन से. तो नीचे ब्लैंकेट बना लेती थी और कट ऑफ कर देती थी ऑक्सीजन का सप्लाई. ठीक, जिसके कारण से जो हमारे कंबसन के तीन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड इग्निशन टेम्परेचर. उनमें से हमारा जो ऑक्सीजन है वो कट ऑफ हो जाता था और कंबसन भी हमारा रुक जाता था. ठीक, तो अब यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है, हम लोग इसको CO2 लिख देते हैं क्योंकि हमने दो बातें बता दी, एक तो एफर्वेसेंस, दूसरी उसको एक्सटिंग्विश भी कर रही है कंबशन को. तो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कैल्शियम सल्फेट. कैल्शियम सल्फेट ही बन रहा है, यानी कि ये क्या कह रहा है कि एक तो H2SO4 है रिएक्टेंट में, दूसरा कुछ X है. ठीक, A है, चलो A बोल रहा है ना, ये A है. और बन क्या रहा है, एक तो बन रहा है CO2 और एक क्या बन रहा है, कैल्शियम सल्फेट. तो CO2 कहां से आएगा और एक बन रहा है हमारा पानी. हमें ये बताना है कि ये A क्या है. तो देखो A है हमारा, A क्या हो सकता है, CO2 यदि आ रही है, एक H2 ये है और एक O यहां है, एक O यहां है, एक दो O यहां है, टोटल तीन O चाहिए हमको. O की रिक्वायरमेंट कितनी है, तीन, और एक कैल्सियम आ रहा है, SO4 तो यहां का यहां चला गया. ठीक, एक कैल्सियम और तीन ऑक्सीजन चाहिए हमको और एक कार्बन चाहिए. चूंकि ये प्रोडक्ट में बन रहे हैं ना चीजें, तो यहां पर भी ये वो होना चाहिए. तो एक कैल्सियम, एक कार्बन और तीन ऑक्सीजन का जो कंपाउंड होता है उसको भी हमने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन या चॉक कहते हैं. तो ये जो हमारा ए है ये लाइमस्टोन है. ठीक,
उसके बाद अब हम जब तीसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो हमसे क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन हमारा, कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके जाके पानी में जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन है इसी के साथ में, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी क्यों कर लेते हैं इसको, सोचिए आप, फिर हम बताते तो हैं। व्हाइल ग्लूकोज एंड एल्कोहल डोंट, यानी कि ग्लूकोज और एल्कोहल पानी में जाकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं और ये एसिड कर लेते हैं, तो इसका आंसर सीधा सीधा ये है कि जब ये लोग एसिड पानी में जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ आर्किनियस दे लिबरेट एच पॉजिटिव आयंस और वी कैन से हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। व्हाइल द ग्लूकोज इज C6H12O6 एंड एल्कोहल इज C2H5OH, दे आर स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड in comparison to these, okay, that's why they do not liberate hydronium H positive ions, or I can say that they don't dissociate into ions, they don't dissociate इनटू आयंस, और जब आयंस में नहीं टूटेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, आयन क्या है, चार्जेस, तो जब चार्जेस ही नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी, नहीं आएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए कंडक्ट नहीं हो पाती है क्योंकि ये आयंस में नहीं टूट रहे हैं, आयंस यानी कि एक प्रकार के चार्ज, जब चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक डेफिनेशन है फ्लो ऑफ चार्ज, ओके। चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, हल्के से, मतलब आपको ये आ सकते हैं कहीं भी, थोड़ा सा इनमें यदि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो ये एप्लीकेशन बेस्ड है, सीधे सीधे डेफिनेशन ना पूछकर ये आपसे रीजन वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ड्राई एचसीएल गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर का कलर हाइड्रोजन क्लोराइड, ये जो HCl गैस है कौन सी ड्राई क्यों नहीं चेंज करती है, सोचिए इस बारे में, और इसका आंसर है, आप पॉज करके ही आए होंगे, पॉज कर लिया कीजिए मेरा वीडियो बीच बीच में, क्योंकि ये ड्राई है, तो ड्राई का मतलब क्या है कि इसमें पानी नहीं है, और आर्किनियस थ्योरी के हिसाब से क्या है कि कोई एसिड तब बनता है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के हिसाब से एसिड तब बनता है जब वो H पॉजिटिव आयन लिबरेट करे, और H पॉजिटिव आयन लिबरेट होना यानी कि चोरी होना, ठीक है, और चोरी का हमने सबसे पहले आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि उन चोरों का एक उसूल है कि हम चोरी यदि करेंगे तो चोरी होगी पानी में, ठीक, और जब पानी ही नहीं होगा
ये एच पॉजिटिव आयन कैसे निकालेंगे? ठीक, तो जब एच पॉजिटिव आयन ही नहीं निकलेगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो HCl गैस है ये ड्राई है, ड्राई यानी कि पानी नहीं है, और पानी नहीं है इस कारण से ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, और जब एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा तो जब एसिड ही नहीं है तो लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज हो सकता है? समझ गए आप इसका एसेंस इस क्वेश्चन का? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एसिड को पानी में डालना और पानी को एसिड में डालना, इनमें से कौन सा सही मेथड है? सोचिए आप, आपके घर में कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आपके सामने एसिड और पानी मिलाया गया होगा, तो उनमें से क्या आपने देखा है कि जो सही है? तो देखिए, पानी को यदि हम एसिड में मिलाएंगे तो ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा। ठीक, एक्सोथर्मिक मींस इट विल इवॉल्व, इट विल जनरेट हीट, और जब वो हीट निकालेगा तो हमारे लिए वो डेंजरस हो सकती है। तो ये वाला जो पानी को एसिड में डालना है ये तो हो जाएगा गलत तरीका। अब ये एसिड को पानी में डालना है ये एक प्रकार से सही तरीका है, लेकिन कैसे डालना है? थ्रू दी वॉल्स ऑफ कंटेनर, यानी कि जिस भी कंटेनर में आपने पानी रखा है उस कंटेनर की कुछ वॉल्स होंगी। जैसे हम बना लें कि ये है आपका एक बाल्टी में, आपने बाल्टी बकेट मान लें, ये जो मग होता है हमारा उसमें आपने यहां तक ये एसिड भरा हुआ है, यहां पर ये पानी भरा हुआ है, यहां पर ये पानी भरा हुआ है। अब जब हम वहां से एसिड डालेंगे तो हमें डायरेक्ट एसिड ऐसे ना डालकर हमें एसिड यहां से डालना है। ठीक, ऐसे में क्या होगा कि जो हीट जनरेट होगी वो कम होगी पहली बात, और दूसरी बात ये एसिड डाइल्यूशन होगा, वहां पर क्या होगा कि तुरंत रिएक्शन हो जाएगा। एसिड वहां पर क्या है, कॉन्सेंट्रेट है। जब हम यहां डाल रहे हैं एसिड, ये मान लीजिए कि ये एसिड है, एसिड में ये पानी आ रहा है, पानी। ठीक, अब इस समय जब ये आ रहा है तो इस समय एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है यानी कि एसिड की जो डेंसिटी है, एसिड की जो मात्रा है वो ज्यादा है, और जब ज्यादा है तो ये अपने आप में कॉन्सेंट्रेट की तरह बिहेव करेगा और ये आकर इसमें पानी का सीधे रिएक्शन हो जाएगा। यहां पर ये क्या है कि एसिड इससे मिलेगा तो जाकर, लेकिन चूंकि पानी की मात्रा ज्यादा है इसलिए एसिड अपने डाइल्यूट फॉर्म में इसमें जाकर रिएक्शन करेगा, पहली बात। और दूसरी बात, जब हम यहां से वॉल से डालेंगे, ऐसे वॉल से डालेंगे जब, तो यहां पर ये धीमे से जाएगा, इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्ट ना ऐसे आकर, आप डालकर भी देख सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी जब हम सीधे डालेंगे उस समय ज्यादा होगी, और जब वॉल के थ्रू जाएगा तो धीमे धीमे जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि पानी को एसिड में डालें या एसिड को पानी में डालें, तो सही आंसर है कि एसिड को पानी में डालें, लेकिन कैसे डालें, धीमे धीमे और थ्रू दी वॉल्स, आराम आराम से, क्योंकि ये और ये एक्सपेरिमेंट आपको घर में परफॉर्म नहीं करना है। किसी की देखरेख में ही कीजिएगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब वेन एंड एसिड इज डाइल्यूटेड व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन इट्स pH value, यानी कि जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो उसके pH वैल्यू में क्या अंतर पड़ता है? तो इसका आंसर आप देखिए, ये मान लीजिए कि ये हमारा एक बकेट है, इसमें एसिड रखा हुआ है, ये हमारा एसिड, अब इसमें हमने डाला पानी, पहले से ये एसिड का सॉल्यूशन है, क्यों? क्योंकि ये एसिड तभी बना होगा कि जब पानी में जाकर H+ छोड़ा होगा इसने,
तो ये वो बना, तो यहाँ पर कुछ एच पॉजिटिव तैर रहे हैं, तभी से तो ये हमारा एसिड है, ये एच पॉजिटिव तैर रहे हैं। अब हमने जब यहाँ से पानी डाला तो पानी अपने आप में क्या है, एच ओ एच है, ठीक, यानी कि एच टू ओ है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये वाला जो एच टू ओ है, ये एच पॉजिटिव को अपने साथ में मिलाकर क्या बना लेगा, एच थ्री ओ पॉजिटिव, ठीक। और जब ये एच थ्री ओ पॉजिटिव बना लेगा तो इस पानी के अंदर ये क्या होता है, हमारा एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस ही हमारा क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच। तो जब ये एच पॉजिटिव ही एच पॉजिटिव नहीं रहा, किसी और के साथ में मिल गया जाकर, तो इन वाले एच पॉजिटिव्स की संख्याएं घट जाएंगी, और जब ये घट जाएंगी तो इनका कॉन्सेंट्रेशन भी घट जाएगा, हेंस देयर कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज, देन पीएच वैल्यू विल इंक्रीज, क्योंकि जो पीएच वैल्यू होती है वो हमने आपको बताया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के। जितनी एसिडिटी बढ़ती जाएगी, जितनी एसिडिटी बढ़ती जाएगी उतनी पीएच वैल्यू घटती जाएगी। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पानी मिलाएंगे तो एसिडिटी, पीएच वैल्यू भी बढ़ रही है और एसिडिटी घट रही है। एसिडिटी क्यों घट रही है, क्योंकि हम न्यूट्रल चीज मिला रहे हैं किसी एसिड में। यदि न्यूट्रल चीज मिला रहे हैं, मान लो कि उसकी एसिडिटी कितनी, जीरो है, हम कहते हैं जीरो है, ठीक। अब उसमें हम सात वाली चीज मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, तो वो जीरो से सात के ऊपर आएगा ना, सात की तरफ आएगा वो, तो उसकी एसिडिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और जब उसकी एसिडिटी कम हो रही है तो पीएच वैल्यू भी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक। तो पानी मिलाने पर पीएच वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी, अभी हमने देखा, क्योंकि एच पॉजिटिव आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। आपको एक रिलेशन ये हमेशा कभी नहीं भूलना है कि जो हमारा पीएच वैल्यू है, एसिडिटी बढ़ी तो पीएच की वैल्यू घटेगी, और एसिडिटी घटी तो पीएच की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे ही हमारी बेसिसिटी में है कि बेसिसिटी यदि बढ़ी तो पीएच भी बढ़ेगा, और बेसिसिटी घटी तो पीएच भी घटेगा। बेसिसिटी पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, ठीक। और पानी में सीधा सीधा ये सेंस हम लगा सकते हैं कि पानी में, एसिड में यदि हम पानी मिला रहे हैं तो एसिडिटी तो घटेगी ही। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि यदि इफ बेस इज एडेड टू NaOH सॉल्यूशन देन व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन पीएच। अभी भी हमने आपको बताया है, आप चाहें तो ये फिर से पॉज करके लगाइए, इसमें थोड़ा सा अपना एप्लीकेशन क्या होगा, देखिए कि ये है हमारा NaOH का सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें OH तैर रहे हैं, ये NaOH का सॉल्यूशन है। अब OH तैर रहे हैं यानी कि OH ज्यादा है, यानी कि उसका पीएच भी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच, ठीक। अब इसमें हमने और बेस मिला दिया, जो और बेस आएगा वो अपने साथ में क्या OH लेकर आएगा, और तो OH लेकर यदि आया पानी में मिला तो OH की संख्या और बढ़ जाएगी। OH की संख्या यदि बढ़ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH यदि बढ़ जाएगा, तो OH बढ़ा, OH का बढ़ना क्या बेसिसिटी का बढ़ना है, क्योंकि OH ही बेसिसिटी का क्या है, कारक है। OH के कारण ही बेसिसिटी आती है, OH आयंस के कारण। अब जब OH आयंस और बढ़ रहे हैं तो बेसिसिटी भी बढ़ जाएगी, और बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच स्केल होती है। तो क्या ओ एच आयंस के बढ़ने पर, या हम कह दें कि बेस के एडिशन पर पीएच स्केल बढ़ जाएगा, तो ये गलत नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि पीएच स्केल, पीएच वैल्यू विल इंक्रीज। उसमें हमने क्या देखा था कि जब पानी मिलाया था तो
तो पीएच वैल्यू घट गई थी। अब आप इसको उस वाले सेंस से लगाइए कि मान लीजिए कि ये बेस है, ठीक, बेस है इसका, हम मान लेते हैं कि इसका पीएच स्केल है 9 है, ठीक 9 है या 10 है, तो ये बेस है, अच्छा बेस है। अब इसमें हमने एक और बेस मिलाया, तो बेस जो मिलाया वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा ही होगा, किससे, 7 से, तो एक ज्यादा ही होगा, और जब 7 से ज्यादा होगा तो ये बाद में जाकर कोई 7 से ज्यादा है और कोई पहले से भी 7 से ज्यादा है, तो ये 7 से नीचे तो आएगा नहीं। एवरेज हमारा, यदि मान लो कि कोई एक चीज 7 से ऊपर 8 है, दूसरा भी आकर हमने 8 ही मिला दिया, तो कहीं ना कहीं वो 7 से नीचे तो नहीं आ रहा है, और जब 7 से नीचे नहीं आ रहा है तो वो अपने आप में एक बेस ही होगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें बताना है कि एक सॉल्यूशन ए है जिसका पीएच है 6, एक सॉल्यूशन बी है जिसका पीएच है 8। ठीक, पीएच से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्लास 10th वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, पीएच को अच्छे से कर लीजिएगा। तो एक का 6 है और एक का 8 है, ठीक, इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रहा है, ये कह रहा है कि विच हैज मोर एच पॉजिटिव आयंस, पहली बात। दूसरा, विच सॉल्यूशन इज बेसिक, ये ए और बी में से बताना है हमें इसमें। तो देखो, पीएच की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, पीएच को हम कैसे निकालते थे, माइनस लॉग 10 और एच पॉजिटिव आयंस, ठीक। तो यदि हम इसको माइनस को यहां पर ऐसे रखें और लॉग 10, यदि हम इसको यहां पर 10 की पावर -6 लिख दें, और 6 आएगा यहां पर, यानी कि -6, I'm sorry, ये आ जाएगा ऐसा -6। अभी हमने आपको वहां पर पीएच स्केल में पढ़ाया था क्या, यदि लॉग 10 10 की पावर एक्स होता है तो एक्स लॉग 10 10 हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर ये एक्स की वैल्यू कितनी है, -6 है, तो -6 यहाँ आया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो +6, और बचा क्या, लॉग 10 10, ठीक। लॉग 10 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये हमारी 6 वैल्यू आ गई, यानी कि यहाँ पर जो एच पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है वो है 10 to the power -6, और यहाँ पर कितना होगा, 10 to the power -8। अब हमें पता है कि जब हम माइनस की ओर आगे बढ़ते हैं तो जितना माइनस की पावर में कम चढ़ा होगा वो उतनी ही ज्यादा संख्याएं होंगी, ठीक। तो 10 to the power -6 और 10 to the power -8 में से आपको ये बताना है कि ज्यादा क्या है, कौन सा ज्यादा है, 10 to the power -8 और 10 to the power -6 में से कौन बड़ा है। तो हमें पता है कि 10 to the power -6 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में बात हो रही है, ना कि पॉजिटिव में। यदि पॉजिटिव में होती तो 10 to the power, यदि ये प्लस और ये प्लस होते तो ये ऐसा हो जाता, लेकिन माइनस माइनस है तो ये ऐसा होगा, ठीक। यानी कि 10 to the power -6 ज्यादा है किससे, 10 to the power -8 से। तो किसका एच पॉजिटिव आयंस किसके पास ज्यादा है, ए के पास, तो एच पॉजिटिव आयंस यदि ज्यादा है तो ये हो गया हमारा एसिडिक, और ये बी हो गया हमारा बेसिक, ठीक। तो दूसरा हमारा आंसर हो गया बेसिक का बी, और एच पॉजिटिव किसके पास ज्यादा है तो ये है हमारा ए, ठीक। अगला एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि डू बेसिक सॉल्यूशन हैज एच पॉजिटिव आयंस, तो आप बताइए एच पॉजिटिव आयंस होते हैं बेसिक के पास कि नहीं होते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल होते हैं, पहली बात तो यस। अब होते हैं तो ये बेसिक क्यों होता है, क्योंकि इसके पास जो ओ एच आयंस हैं वो ज्यादा हैं संख्या में, क्वांटिटी में, क्वांटिटी में ज्यादा है किससे, एच पॉजिटिव आयन से।
तो संख्या है OH वाले की ज्यादा, लेकिन H है, जी हाँ बिल्कुल है, यस ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, अगला थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी एप्लीकेशन बेस्ड है, इसको आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। वो कह रहा है कि एक हमने इफ अ सॉइल इज ट्रीटेड विद, पहली बात क्विक लाइम, दूसरी बात स्लेट लाइम, तीसरी बात लाइमस्टोन। यदि इन तीनों चीजों से एक सॉइल को हम ट्रीट कर रहे हैं, देन टेल अबाउट द नेचर ऑफ दैट सॉइल, उस सॉइल के नेचर के बारे में बताइए, ये कह रहा है। तो देखिए क्विक लाइम क्या है, क्विक लाइम है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्या है मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड एक प्रकार से बेसिक इन नेचर होते थे, पहली बात। स्लेट लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारा इटसेल्फ क्या है, ये बेस है। तीसरी बात लाइमस्टोन की यदि हम बात करें, तो लाइमस्टोन को यदि हम देखें, लाइमस्टोन बनता कैसे हमारा, तो ये H2CO3, ये क्या है कार्बोनिक एसिड, यानी कि ये वीक एसिड, ठीक। इसको यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिला दें, यदि इसे हम, तो देखो एक कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, एक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। ये अब दो एच दो, यानी कि दो एच दो ओ, इनके पास कितने दो एच, टोटल चार एच और दो ओ, यानी कि दो एच टू ओ बन गए। तो पानी से हमें लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है इससे, कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि ये है वीक एसिड और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलकर एक बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ये हमारा एक बेसिक सॉल्ट हो गया। तो ये हमारा बेसिक ऑक्साइड हो गई, ये हमारा इटसेल्फ बेस हो गया और एक बेसिक सॉल्ट हो गया। तो तीनों जब बेस हैं और सॉइल में जाकर यदि हम इन्हें मिला रहे हैं, तो सॉइल का नेचर, सॉइल को हम मिला क्यों रहे होंगे, उसके अच्छी फर्टिलिटी के लिए, और फर्टिलिटी यदि हमें चाहिए तो उसका सॉइल का नेचर न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए यदि किस में हम न्यूट्रल चीज मिला दें, तो वो होगी हमारी एसिड, यदि एसिड में हम बेस मिला दें तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये बेस है, कहां जा रही है, तो सॉइल का नेचर हमारा एसिडिक होगा, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था ये, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद वो पूछ रहा है, एक सोडियम का कंपाउंड है, अ सोडियम कंपाउंड विच इज यूज टू ट्रीट हार्ड वाटर। तो ये हमने आपको पढ़ाया था कि इसका आंसर क्या है, सोडियम कंपाउंड, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका कॉमर्शियल नेम आप लोग बताइए क्या है, इसको हम कहते हैं वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग सोडा, Na2CO3 into 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक। ये हमने आपको किस प्रोसेस से बनता है, किस प्रोसेस से बनता है बताइए, पढ़ा चुके हैं हम सॉल्वे प्रोसेस से। एक और अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन
रिएक्ट्स विद, एक सॉल्यूशन रिएक्ट करता है किससे, अंडों के छिलके से यानी कि एग सेल से। कौन सी गैस देता है? टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो ये लाइम वाटर मिल्की हमने आपको पढ़ाया था, ये एक प्रकार के प्रेसिपिटेट होता है कि नीचे कुछ जम जाता है कोई सॉल्ट वगैरह और ऊपर वो दूधिया दूधिया रंग का हो जाता है। तो जो नीचे जम जाता है वो हो जाता है हमारा प्रेसिपिटेट और ऊपर जो हो जाता है वो मिल्की मिल्की हो जाता है। और कौन सी गैस होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो वो पूछ रहा है कि सॉल्यूशन क्या कंटेन कर रहा है। पहला ऑप्शन है ए, चलिए इसमें तो ऑप्शन भी है सी और डी, LiCl लिथियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, तो देखिए लाइम वाटर की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लाइमस्टोन है तभी से तो लाइम वाटर बना। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को किसी चीज से एक्स, मान लीजिए एक्स से रिएक्ट करा रहे हैं, ये हो गया उसका सॉल्यूशन, वहां से एक गैस निकल रही है CO2। क्यों निकल रही है CO2? क्योंकि ये CO2 वहां जाएगी, साथ में हमारा पानी बनेगा, पानी बनेगा और CO2 बनेगी, पानी और CO2 मिलकर जो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा, जो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा प्रेसिपिटेट PPT पहली बार। ठीक, तो वो जम जाएगा नीचे, यहां पर प्रेसिपिटेट बन जाएगा, पानी का सॉल्यूशन यहां रहेगा और जो कि इसमें CO2 रहेगी इसलिए ये मिल्की कलर का हो जाएगा, दूधिया दूधिया हो जाएगा। ठीक, अब आपको ये बताना है कि पानी बनाने के लिए यदि H आया है वहां पर तो यहां भी H होना चाहिए, तो H से ये है, तो HCl यदि हमने लिया यहां पर तो अब चाहिए हमें दो H, दो H, तो दो H और एक O। ठीक, अब बचा क्या? CO2, तो CO2, अब एक कैल्शियम बचा और एक दो क्लोरीन बचे, तो फाइनली ये जो यहाँ बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट में बन रहा है, जो कि हमसे पूछा नहीं गया है। हमसे पूछा गया है कि गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, और सॉल्यूशन कौन सा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक, यानी कि जब हम लाइमस्टोन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा कि प्रेसिपिटेट बनेगा किसी सॉल्ट का, कोई भी हो सकता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो क्लोरीन वाला ही सॉल्ट होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा, और दूसरी बात प्रेसिपिटेट बनेगा मिल्की टर्न होगा, किस गैस की वजह से? कैल्शियम, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अब जो आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन है, एक दूध वाला है मिल्कमैन एड्स, मिल्कमैन मिलाता है, क्या मिलाता है? बेकिंग पाउडर इन फ्रेश मिल्क, बताइए क्यों? इसका आंसर यह है, देखिए कि बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो NaH CO3। ठीक, बनता कैसे हम देख लें, चलो बना के देख लेते हैं इसको, NaOH plus H2CO3। ठीक, ये क्या है? कार्बोनिक एसिड। ये क्या है? कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है? वीक एसिड। अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर जो सॉल्ट का निर्माण करते हैं वो होता है हमारा बेसिक सॉल्ट। ठीक, बेसिक सॉल्ट यानी कि वो जो चीज मिला रहा है बेकिंग पाउडर, वो कहीं ना कहीं बेस मिला रहा है। कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि वो बेस मिला रहा है। मिला क्यों रहा है बेस? मिला इसलिए रहा है क्योंकि कुछ देर बाद जब हम दूध को निकालते हैं, फ्रेश मिल्क को, और उसको रखे रहते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसमें एक एंजाइम होता है, वो क्या सीक्रेट करता है? वो सीक्रेट करता है लैक्टिक एसिड। क्यों लैक्टिक एसिड क्यों सीक्रेट करता है? उसको दही बनाने के लिए, जब दूध फट जाता है और दही बन जाता है, किस कारण से? लैक्टिक एसिड के कारण से।
तो लैक्टिक एसिड अपने आप में एसिडिक है, तो मान लो उसने सीक्रेट कर दिया और ये बेस है साथ में, बेस है तो वो उसको कुछ देर के लिए न्यूट्रलाइज करता रहेगा जब तक ये इसका इफेक्ट रहेगा, किसका, बेकिंग पाउडर का। तो बेकिंग पाउडर के इफेक्ट से ये क्या कर सकता है दूध वाला, कि उस दूध को फटने के लिए कुछ देर के लिए बचा सकता है। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हमारा दूध वाला है इसमें बेकिंग पाउडर इसलिए मिला रहा है कि बेस मिलाएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो वो उसकी जो दूध फटने की जो ड्यूरेशन है वो कुछ देर बाद आएगी, मतलब वो कुछ देर के लिए उसमें स्टे लगा सकता है। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए इसके, एसिड बेस एंड सॉल्ट के। इसके बाद अब हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।